फतेहाबाद महिला थाना पुलिस ने कांग्रेस के युवा नेता के पिता के खिलाफ 6 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। जी हां, पूरे मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी दलजीत बेनीवाल ने बताया कि पीड़ित नाबालिग के पिता ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई है कि टेकचंद नाम के एक व्यक्ति ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की है। डीएसपी ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी टेकचंद के खिलाफ छेड़छाड़ करने और पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। डीएसपी ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रविंदर सिंह है जिसमें कमल है, इसने मामला दर्ज करवाया है ये कि टेकचंद पुत्र अमीलाल के खिलाफ पूरा मामला तो ये है जिसमें हमने अभी एफआईआर दर्ज की है और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन है ना होने के उपरांत ही हम आपको पूरा बता सकते हैं। इसमें फिर भी इसकी जो महिला पुलिस स्टेशन से ऐसे तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसे ही ये मैटर वेरीफाई होगा हम आपको बताएंगे। क्या आरोप क्या है सर? आरोप है छेड़खानी के हैं। तो किस पर ये आरोप है और क्या उम्र है उनको जो किसी जिन पर आरोप ऐसे है? ये जो टेकचंद सनोफ अमीलाल के ऊपर आरोप है ये और जिस ये पोक्सो का मैटर आता है वो नाबालिग बेटी है किसी। तो कितने साल की लड़की है जिनसे? साल कुछ 6 साल की उसमें जिस पर आरोप लगे सर उसकी उम्र कितनी है? उसकी वो वेल मैच्योर्ड है। तो क्या कार्रवाई की गई है पुलिस की ओर से? एफआईआर लॉन्च की गई है और इस पर कार्रवाई की इन्वेस्टिगेशन कर। तो गिरफ्तारी हो पाई है अभी तक फिलहाल? गिरफ्तारी नहीं। कब की घटना है ये सर? ये कल की घटना है। तो क्या आरोप है जी पिता के लड़के के कि भी किस तरह से इसको? वो जब घर में अकेली थे वो घर में आता है और उससे छेड़खानी करता है। गला फुसला लड़की का मेडिकल हो गया? हाँ मेडिकल हो गया।